हाँ यार, समस्या होती है सूर्य भट्टाचार्य और सूर्य में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुला राशि लिब्रा का इस साल कैसा गुजरेगा, 2018 का साल। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ये बिल्कुल फ्री है। और एक बार ऐसा थम्स अप देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तुला राशि के लॉर्ड है शुक्र, तो इनके अंदर कुछ हाई थिंकिंग क्वालिटी, बाहरी दिखावना, उच्च विलासिता, इन्हों साफ हर चीज़ों को साफ रखना इन्हों ये लोग पसंद करते हैं। इन्हों ये लोग लग्जरी आइटम, अच्छे होटलों में खाना, अच्छी तरह से रहना, बहुत सारे कपड़े, जूते, इन्हों इन लोग कुछ ऐसे होते कि इतने कपड़े होते हैं कि दूसरे कपड़े की बारी ही नहीं आते। तो इनमें से अच्छी क्वालिटी नहीं है, बहुत सारी बुरी क्वालिटी भी होती है। ये लोग काम चोर होते हैं, ये लोग चाहते हैं कि आज का काम कल कर अपने आप हो जाए, या फिर ये हो जाएगा बाद में करेंगे। इन्हों जीवन बिताने के लिए उधारी पर जीते हैं, इन्हों बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। इनके जीवन में 60% कमाई तो 6% कमाई जो है वो अपने जीवन में लग्जरी आइटम पर ही खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मनी वेस्ट करते हैं लोग। तो इस साल उनके लिए बिजनेस कैसा रहेगा, इस साल उनके लिए बिजनेस बहुत ही बढ़िया रहेगा। साल के शुरू से लेकर आखिर तक, खास करके फरवरी से अप्रैल तक बहुत ही अच्छा समय जाएगा। इसके बाद आएगा 2 मई से 6 नवंबर तक, ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल उनके लिए क्या मुनाफा ईयर ही रहेगा, मतलब साढ़े साथी का कोई दशा नहीं है, ऊपर से बृहस्पति आपके ऊपर बैठा है तो बहुत ही अच्छा होगा। इन्हों पैसे की कमी नहीं आएगी, बहुत तरह से आपकी तरफ पैसे आने लगेंगे। आप खास करके 11 अक्टूबर के बाद से आपके फ्यूचर में आपके कुछ लक ऐसे फेवर करेंगे, 2018 जाते आते आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आएगा। उपाय के तो बहुत सारे रास्ते आएंगे, और आपने ऐसे नहीं कि अपने आप आएंगे, आपको मेहनत करने होंगे फिर आएंगे। इन्हों विदेश जाते के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी वास्तु के रिलेटेड काम करते हैं या लग्जरी रिलेटेड काम, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बढ़ने लगेगा, इस साल इंक्रीज होगा। और कोशिश करें कि न्यू कांटेक्ट बनाइए अपने घर के बाहर, जब घर के इलाके में सिर्फ बिजनेस मत करिए, उसके बाहर जाइए, विदेशों में बिजनेस करिए, बहुत ही अच्छा। खास करके आप जो घर से दूर आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मतलब घर से बाहर जो अपने एरिया है उससे बाहर जाके बिजनेस करिए तो बहुत ही अच्छा होगा, तो आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। इसके बाद आते हैं जॉब पर। तुला राशि के लिए इस वक्त जो जॉब चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे समय रहेगा, खास करके जनवरी से नवंबर तक। जो लोग नया जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के सिलसिले में जो लोग चाहते हैं साउथ जाने के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया समय, साउथ या फिर महाराष्ट्र में चले जाइए। जो लोग विदेशों में रहते हैं बहुत दूर रहते वो लोग काम करने के साउथ की तरफ जाके अपना जॉब रिलेटेड काम करें। आपके अप्रैल से जुलाई के बीच में आपको ध्यान देने की थोड़ी सी ज़रूरत होगी काम पर। 16 अक्टूबर से आपके लिए प्रमोशन रहेगा, सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, सीनियर आपकी तरफ खुश हो जाएंगे और बॉस आपकी तरफ तारीफ करेंगे। आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपकी काबिलियत और बढ़ जाए। ऐसा मत सोचना कि जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, आपके तरफ से आपके माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहनों का पहस वो तो रहेगा, वो तो कोई सीन नहीं सकता। अब ऐसा काम कीजिए बॉस आपको कहे कि हमको नहीं छोड़ कर जाएगा ना, बॉस आपकी तरफ डिपेंडेंट हो जाए ना कि आप। कुछ लोग इससे आप ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग जलेंगे, तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस तरफ। आप लोग जो अपने
जो लोग सरकारी काम कर रहे वो अपने राज की हुकूमत बताना, क्योंकि इसके दौरान आपको नौकरी जा सकता है, जो आखिर में नौकरी जा सकता है। तो थोड़े से अपनी बातों की तरफ, थोड़े से अपने रहन सहन, तो इसे अपनी अपनी कलाई को, अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे नौकरी ना जाए। आर्थिक स्थिति इस साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, खासकर 2 मई से 6 नवंबर तक बहुत ही अच्छे समय रहेगा। तो ये हो सकता है कि थोड़े से पैसे की कमी हो बीच में, लेकिन आखिर में जाते जाते थोड़ा सा काम ढीले पड़ जाएगा, लेकिन जाते जाते बहुत ही अच्छा होगा। आप कोशिश करना इस साल आप इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड, लोन, लॉन्ग टर्म लोन, या फिर गोल्स में स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। आप इस साल गाड़ी, बंगले, यू नो, अपने जो भी पसंद की चीज़ है आप खरीद सकते हैं। खास करके जनवरी से लेकर मार्च तक आपकी जो इनकम की राशि होगी वो बनने रहेगा, स्थिति बहुत बढ़िया होगा जनवरी से लेकर मार्च तक। अब आते हैं फैमिली पर, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस साल आपके फैमिली के ऊपर मिक्स प्रभाव रहेगा, मतलब बुराई अच्छाई मिलाकर रहेगा। आपके जो संतान है उसके ऊपर नज़र दीजिए, जैसे ये नहीं होता कि संतान को अच्छी स्कूल में अच्छी जगह पर रखना, ये सब नहीं होता। उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, उनको क्या चाहिए उसकी तरफ नज़र दीजिए। यू नो, उसे जैसे आप किसी काम में जाते हो, काम में उसके ऊपर ध्यान देते हो, ऐसे ही अपने बच्चे के ऊपर, फैमिली ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं पर अपने दोस्तों के साथ, चाय की दुकान, कहीं पर भी फालतू समय बिता रहे, तो एक काम करना, आप घर पे आना, अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने बीवी के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि इस साल आपको कुछ विदेश जाते या फिर बाहर जाने के योग बन रहे, तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बहुत ही ज़रूरी है। इस साल 3 से 4 बड़े बड़े झगड़े हो सकते हैं अपनी बीवी के साथ, तो थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि आपके बात और रहन सहन में थोड़ी सी कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आते हैं रिलेशनशिप में, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि आप रिलेशन में हो कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझ लीजिए, क्या ये एक्साइटेड प्यार है या पे कुछ कमी है। अगर है तो ब्रेकअप कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस साल आप इस तरह का कोई योग देख रहे हैं कि आप टाइम मिस कर रहे हो, ओपे की तरफ जा रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप इसको टिका लिया तो आखिर में जाते जाते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मई से लेकर जुलाई तक। आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप शादी करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा समय है इस समय, लेकिन अपने परिवार के माता पिता के विरुद्ध मत जाके शादी के, उनसे बात कीजिए, क्योंकि शायद माता पिता ने कुछ और ख्वाब सजा रखा है, आपने कुछ और ख्वाब सजा रखा है, जिसके कारण विवाद भी हो सकता है, तो इसके तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद आता है हेल्थ, तो अगर आपके शरीर ठीक है तो सबसे बढ़िया बात है, नहीं तो सब खराब। इस साल आप हॉस्पिटलाइज बहुत बार हो सकते हैं, तो खास करके इस समय ख्याल रखना पड़ेगा। सात महीने से लेकर 9 नवंबर तक आपके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, अपने खान पान और जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज आपको करनी है इस साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट की बीमारी भी आपके तरफ आ सकता है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो आप अपने ऊपर ख्याल दीजिए। अब आता है स्टडी, मतलब जो लोग स्टूडेंट हैं उनके तरफ 16 जून से 7 मार्च तक आपके लिए कुछ अच्छा समय नहीं जाएगा पढ़ाई की तरफ। आप पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही सबसे आपके लिए बढ़िया समय रहेगा। आप लोग से कोई बुरी संगत या पे कुछ ऐसी तरफ चले गए जिसके किसी को आपको यू नो मॉन्स्टर से लव की तरफ चले गए, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप ये टाइम वेस्ट करने लगते हैं कि इसका मैसेज आया कि नहीं, हमेशा फ़ोन चेक करने रहने लगते हैं, तो इसकी तरफ ख्याल दीजिए, क्योंकि इसके आप ऐसे करने लगेंगे तो आपके पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। और इस साल आप सब्जेक्ट चेंज, नया कॉलेज में दाखिला,
ऐसे बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। आपके लिए मई से लेकर जुलाई तक कुछ अच्छा समय रहेगा पढ़ाई की तरफ। अक्टूबर में जाता है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कठिन मेहनत ही आपके लिए सफलता का एकमात्र सूत्र है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं, खास करके पढ़ाई। पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, वो भी ध्यान से, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस साल। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके तरफ आता है आपके जो पारिवारिक जीवन होगी वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अपनी पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताए, महीने में तो एक दो बार घूमने ज़रूर जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके बाद आता है कुछ छुप है ना शंका, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। 3, 5, 6, 8 आपके लिए बहुत अच्छा लकी नंबर रहेगा। इसके बाद आता है कलर, कौन सा कलर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा इस साल। ग्रीन, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। और आपके लिए ख़राब समय रहेगा 14 जनवरी से 12 फेब, 7 मार्च से 2 मई, 2 मई से 6 नवंबर, 14 मई से 15 जुलाई। और अच्छा समय जाएगा आपके लिए 1 जनवरी से 16 जनवरी, 1 सितंबर से 11 अक्टूबर, 1 सितंबर से 31 सितंबर। इसके बाद आपके लिए आपको कुछ पति आप सफेद चंदन के माला के साथ ओम शुक शुक्राय नमः 64,000 बार जॉब पढ़िए। शुक्र जनता का पूजा कीजिए, शुक्रवार के दिन उपवास कीजिए। आप सफ़ेद चावल, दूध, दही का दान करिए। सफ़ेद वस्त्र के साथ सफ़ेद फूल लेकर कुल देवी को दीजिए। तो इस उपाय के साथ आप कुछ अच्छे समय ला सकते हैं। और ख़ास करके ध्यान रखना, इस साल आपको पढ़ाई पे खास ध्यान देना होगा, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा, बिजनेस को बढ़ाना होगा, जॉब की तरफ कुछ ध्यान देना होगा। आप सभी कुछ ठीक साथ एक साथ ठीक ठाक करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय जाएगा। अगर आप कुछ एक साइडेड हो जाएंगे तो बहुत बुरा जाएगा आपके लिए। फूल मिलाकर इस साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ खास आपके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिए।